हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्री क्लासेस। चिल्ड्रेन टुडे आई गोइंग टू एक्सप्लेन अ ब्यूटीफुल पोयम, फायर एंड आइस रिटन बाय ग्रेट अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स रॉबर्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे आपने क्लास एट में इनकी पोएम पढ़ी थी स्टॉपिंग बाय द उड्सन स्नोई इवनिंग आपने नाइन में पढ़ा द तो रोड्स नॉट टेकन भी ये उनकी दूसरी है 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 इसी में में आपने एक और पोयम पढ़ी होगी तो so तो आपको लगेगा कि इसको क्यों बोल रही है भाई मतलब मतलब आग होता होता हम लोग सब जानते हैं बर्फ होता है। इतना तो हमें हमारी मैम ने में भी सिखाया था तो मैम जो है सो हमें symbolic poem क्यों बता रही है इसे पोएट ने वो आग वाला फायर नहीं कहा है जो आप लोग देखते हैं जिस आग पर खाना बनता है नहीं ये फायर है ह्यूमन इमोशंस मानवीय संवेदनाएं मानवीय भावनाएं और आइस ये तो ह्यूमन इमोशंस हैं ये भी मानवीय भावनाएं अब ये फायर किसको शो कर रहा है ये फायर शो कर रहा है हैट्रेड अनकंट्रोल डिजायर पैशन और ये आइस शो कर रहा है जो नेचुरल इमोशंस हैं हैट्रेट इनसेंसिटिविटी जैसे इमोशंस को शो कर रहे हम लोग कहते हैं ना बर्निंग डिजायर्स बर्निंग पैशंस तो क्या डिजायर्स में क्या जलती है नहीं जब कोई भी डिजायर जो अनकंट्रोल्ड हो जाए तो सब कहते हैं बर्निंग डिजायर्स है, तो कभी कभी डिजायर्स होना अच्छी बात है जीवन में डिजायर्स तो होना ही चाहिए लेकिन वो अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए कि उसके लिए आप कुछ भी गलत करने को तैयार हो जाएं। तो पोएट हमें यही बताना चाह रहे हैं कि ह्यूमन इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए अब आइस जो है हम तो लोग क्या कहते हैं एज कोल्ड क्या कभी आपने छूकर देखा वो बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है नहीं इसका मतलब क्या है कि वो इनसेंसिटिव है उस पर असर नहीं पड़ता है किसी के दुख का वो क्या है भराब है उसमें बहुत ज्यादा नफरत है इतनी ज्यादा नफरत है कि वो इनसेंसिटिव हो गया है वो किसी के दुख को महसूस नहीं कर पा रहा है तो पोएट ने यही दो इमोशंस हैं जो कि यूज किए हैं क्यों हुआ किसी का अनकंट्रोल डिजायर था किस चीज के लिए डिजायर था पावर के लिए हिटलर क्या चाहता था वो चाहता था पूरी दुनिया में अपनी सत्ता स्थापित करना वो चाहता था कि पूरी दुनिया के लोग उसकी बात माने उसने लाखों यहूदियों का कत्ल करवा दिया तो उसने जो था ये फायर भी कह सकते हैं उसके लिए पावर की जो चाहत थी और आइस बताया था जिसके कारण उसने बहुत से यहूदियों का कत्ल करवा दिया तो जो फायर एंड आइस है इससे वर्ल्ड कैसे डिस्ट्रॉय होगी यही हमें पोइट बताएंगे इस पोएम में जो रॉबर्ट फर्स्ट है आइए अब हम जानते हैं इस महान कवि के बारे में जिन्होंने इस पोयम फायर एंड आइस को लिखा सो लेट्स नो अबाउट द ग्रेट पोएट रिटन दिस पोयम सो रॉबर्ट फर्स्ट वॉज दैट ग्रेट पोएट एंड ही वॉज बोर्न ऑन 26 मार्च 1874 एट सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस उनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में एंड अनफॉर्चुनेटली ही लेव फॉरली अवॉर्ड ऑन ट्वेंटी नाइन जनवरी नाइनटीन सिक्सटी थ्री और अट्ठासी वर्ष की अवस्था में उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया एंड एलिनॉर मीरियम वाइट वॉज द स्पाउस ऑफ रॉबर्ट फर्स्ट इनकी पत्नी थी एलिनॉर मीरियम वाइट और इनके छः बच्चे थे आप इनके परिवार का पिक्चर देख सकते हैं सो एज ऑक्यूपेशन ही वॉज अ पोएट एंड प्ले राइटर बाय प्रोफेशन वो एक पोएट थे प्ले राइटर थे लेकिन अपने परिवार के जीवन यापन के लिए उन्होंने बहुत सा काम किया था उन्होंने टीचर का भी काम किया उन्होंने एडिटर का काम किया इवन ही हैज़ वर्कड एज अ काबलर टू अर्न बेडन बटर फॉर हिज फैमिली एंड हिज नोटेबल वर्क आर अ बॉयज़ विल नॉर्थ ऑफ बोस्टन ये सब उनकी महत्वपूर्ण रचनाएँ थीं और आप जो पढ़ रहे हैं फायर एंड आइस ये भी उन्हीं की रचनाओं में से एक है एंड नोटेबल अवार्ड्स सॉट पुलिजर प्राइज फॉर पोएट्री कांग्रेसल गोल्ड मेडल तो ये पहले साहित्यकार हैं जिन्हें अपने जीवन काल में चार पुलिजर प्राइज दिया गया था अभी तक ये सम्मान किसी साहित्यकार के नाम नहीं हुआ है इनको छोड़ करके इनको कांग्रेसल गोल्ड मेडल भी मिला था तो आइए अब हम जानते हैं इसकी समरी तो स्टूडेंट समृत मैंने आपको इसमें बता दिया है कि पोएट क्या चाहते हैं पोइट एक्चुअली इसमें सिम्बॉल्स का यूज किए हैं फायर आइस का जो कि ह्यूमन इमोशंस को शो करता है इसे तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है आइए अब हम चलते हैं जो सिम्बॉल्स पोएट ने यूज किया है उस और, अब देखिए फायर आप पिक्चर में देख रहे हैं फायर का एक साइन है तो फायर जो ये सिंबॉल है किसका है फ्यूरी क्वेलिटी वायलेंस एंड ग्रीड ये उसका सिम्बॉल है और कोल्ड कोल्ड क्या है ये भी सिंबॉल है लेकिन कैसे फीलिंग्स हैं हेट्रेड इन एंड इनसेंसिटिविटी वाली फीलिंग्स जो हम लोग कहते हैं जो अनकंट्रोल्ड डिजायर है उसे पोएट ने फायर से डिनोट किया है और जो हेट्रेड जैसे फीलिंग्स है उसे पोएट ने आइस से डिनोट किया है नो कम टू फर्स्ट एंजा सम से वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से इन आइस अब कुछ लोगों का कहना है कि ये जो दुनिया है ये किससे खत्म होगी ये आग से ख़त्म होगी अब कुछ लोगों से मतलब है वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया आग से खत्म होगी तो भाई आग से कैसे खत्म होगी क्या पूरी दुनिया में आग लग जाएगी अचानक से नहीं आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना होगा तो जो अर्थ है उसका टेम्परेचर राइज़ हो रहा है अर्थ धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे एटमोस्फेयर पर बहुत असर पड़ रहा है और धरती का तापमान बढ़ रहा है आप लोगों ने सुना होगा कि ओजोन होल में छेद हो रहा है जिससे सन की अल्ट्रा वाइट रेज जो है सो धरती की ओर पहुंच रही है अब सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए पॉल्यूशन हो जाए और ओजोन लेयर खत्म हो जाए तो क्या होगा जो सन की अल्ट्रा वायलट रेज है वो पूरी धरती को जला डालेगी तो यही साइंटिस्ट का कहना है आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा होगा अप... आपके सिस्टी टीचर ने बताया होगा आपके साइंस टीचर ने बताया होगा ये तो आज का बर्निंग टॉपिक है जिसके बारे में कि आपने ज़रूर सुना होगा या फिर आप लोग सुन रहे होंगे कि क्या हो रहा है कि स्नो कैप्स पिघल रहे हैं ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो अगर अचानक से मान लीजिए कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाए स्नो कैप पिघल जाए तो क्या होगा अभी जो स्नो कैप का मेल्टिंग हो रहा है या ग्लेशियर्स का मेल्टिंग हो रहा है उससे जो ओशियन है उसके वाटर लेवल में बहुत ज़्यादा राइज हो गया है उसके किनार पानी जो है सो ऊपर आता जा रहा है तो शायद अगर ग्लेशियर्स पिघल जाए और स्नो कैप्स जो हैं माउंटेंस के वो मेल्ट कर जाएं तो शायद ऐसा हो कि पूरी दुनिया उस पानी में डूब जाए तो ये भी दुनिया के ख़त्म होने का एक कारण हो सकता है इस में वैज्ञानिकों में मतभेद है लेकिन वैज्ञानिकों को डर है कि, कि किसी न किसी तरीके से दुनिया तो खत्म हो ही जाएगी फ्राम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दो फेवर फायर लेकिन पोइट कहते हैं कि जहाँ तक मैंने जाना है ये दुनिया कैसे खत्म होगी ये दुनिया खत्म होगी जो डिज़ायर्स हैं अब कैसे डिजायर्स डिज़ायर्स तो सबकी होती हैं आपको पढ़ने की डिज़ायर है मुझे पढ़ाने की डिज़ायर है तो ये भी एक डिज़ायर है जो सामान्य इच्छा है लेकिन जब डिजायर्स अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं तो पोट का यहाँ डिजायर से मतलब अनकंट्रोल्ड डिज़ायर से है तो जब कंट्रोल्ड हो जाती हैं किसी के लिए हो सकती है पावर के लिए पैसे के लिए लव के लिए तो उससे क्या होगा कि ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी जैसे आप लोगों ने हिटलर के बारे में सुना होगा कि कहीं ना कहीं हिटलर रिस्पॉन्सिबल था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए उसकी जो थी सत्ता की चाहत पावर की चाहत ने दुनिया को युद्ध की आग में झकेल करके दुनिया को विनाश की ओर ढकेलने का प्रयास किया था इसलिए पोएट कहते हैं अगर कोई कहता है दुनिया फायर से खत्म होगी तो मैं उनका उनके फेवर में जाऊँगा यानी इस दुनिया को खत्म करने के लिए जो ह्यूमन बींग के अनकंट्रोल डिजायर है वो रिस्पॉन्सिबल होंगी द नेक्स्ट एक्सटेंजर बट इफ आई हैड बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस पेरिस मतलब क्या होता है नष्ट होना डिस्ट्रॉय जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा पेरिशेबल आइटम्स जैसे मिल्क है फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं जो शीघ्र नाशवान होती हैं तो ऐसी चीज़ें जो हैं जिस जो नष्ट हो जाती हैं तो पुएट का यहाँ कहना है कि इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस इट किसके लिए यूज हुआ है वर्ल्ड के लिए अगर इस दुनिया को दोबारा खत्म होना होगा आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हिट तो मुझे लगता है कि जो हेट है वो काफ़ी है इस दुनिया को खत्म करने के लिए टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस तो पोइट कहते हैं कि अगर ये घृणा ये नफरत पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए पर्याप्त है तो हम कह सकते हैं कि जो आइस है वो रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए इज ऑल्सो ग्रेट एंड रूट यानी सफाइसिएंट है ये जो आइस है यानी ये जो हैक्ट्रिड वाली फीलिंग है ये जो इनसे इनसेटिविटी वाली फीलिंग्स है ये पूरी दुनिया को खत्म कर देगी अब जब मनुष्य है जो उसके मन में केवल घृणा हो जाए वो दूसरों के लिए महसूस करना बंद कर दे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी ऐसा पोएट का मानना है तो इस पोएट इसमें हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे डिजायर्स वो अनकंट्रोल्ड नहीं होने चाहिए अगर हमारे डिजायर या हेट्रिड अनकंट्रोल्ड हो गई तो इससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तो जब हम ह्यूमन बींग्स हैं हम आपस में भी किस ऐसे डिजायर न रखें जिससे कि दूसरों को नुकसान पहुंचे समाज को नुकसान पहुंचे हम हाँ अपने डिजायर्स को कंट्रोल्ड वे में जीए या फिर जो नफरत है किसी के लिए इतनी नफरत ना पाल लें कि हमें लगे कि वह आदमी खत्म हो जाए वो आदमी मर जाए तो ऐसी नफरत भी हम ना पालें पोइट भी यही समझा रहे हैं कि हमें डिजायर और हेट्रेड दोनों को कंट्रोल में रखना होगा अब आइए हम आते हैं इसकी राइमिंग स्कीम की ओर तो देखिए राइमिंग स्कीम में हम क्या करते हैं किसी भी लाइन का जो है लास्ट लाइन लास्ट वर्ड को दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड से मिलाते हैं अगर दोनों की साउंड सेम हुई इसका मतलब राइम कर रही तो सेम लेटर से डिनोट करेंगे अगर अलग हुई तो अलग अलग लेटर से डिनोट करेंगे सम से द वर्ड विल इंड इन फायर फायर तो एक न, अभी तो ये हमारी फर्स्ट साउंड है तो हमने इसे ए से डिनोट किया सम से इन आइस अब फायर और आइस को मिलाइए क्या ये मिल रही है नहीं ना तो हमने इसे नया साउंड बी दे दिया फ्राम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर लेकिन पोइंट कहते हैं कि जहाँ तक मैंने महसूस किया इसका डिज़ायर है, है देखिए डिज़ायर आई से मिला नहीं मिला यानी ये बी नहीं है फायर से मिला हाँ फायर डिज़ायर हमारा मिल गया ना बच्चों तो अब हम इसको भी ए से देंगे अब देखिए आई होल्ड विद दो फेवर फायर लास्ट में फिर फायर आया डिज़ायर फायर हमारा सेम साउंड है हमने फिर इसे भी ए दे दिया अब आता है नेक्स्ट स्टैंडा की ओर बट इफ इट हैड टू perish ट्वाइस ट्वाइस ठीक है एक नई साउंड है ट्वाइस तो हमने इसे सी दे दिया हेट अगेन अ न्यू साउंड डी दे दिया आइस अब देखिए ट्वाइस और आइस हमारी मिल गई ना तो हमने इसे सी दिया ग्रेट अब देखिए हेट और ग्रेट हमारा मिला तो हमने इसे डी दिया और आई से सफाइस मिला तो हमने इसे सी दिया स्टूडेंट इस तरह से हमारा राइमिंग स्कीम खत्म होता है हम आते हैं इसके पोएटिक डिवाइज की ओर जो पोएट ने यूज किया है एनाफोरा अब एनाफोरा हो क्या होता है रिपीटेशन होता है किसी भी वर्ड का अलग अलग लाइंस में अब देखिए सम से इसको रिपीट किया गया किसमें फर्स्ट और सेकंड लाइन में इसको रिपीट किया गया है अब से मेटाफर भी है सिम्बॉलिज्म भी है फायर और आइस को पोएट ने यूज किया है स्ट्रॉन्ग पैशन और हेट्रेड के लिए फायर को किया स्ट्रांग पैशन के लिए अनकंट्रोल डिज़ायर के, के लिए कह सकते हैं और आइस को यूज किया है हेट्रेड के लिए क्या है एक सिम्बॉल है पोएट ने इनका सिम्बॉल के रूप में यूज किया यानी ये जो शब्द हैं सामान्य अर्थ को नहीं दिखा रही है एक अलग अर्थ इसका निकल रहा है थर्ड इज इमेजरी अब इमेजरी हम कहते हैं जब फायर एंड आइस हैव डीपर मीनिंग फायर फीलिंग ऑफ ऑफ बर्निंग डिजायर एंड आइस कोल्डनेस अब इमेजरी में क्या होता है कि जब हम इसके गहन अर्थ की ओर जा रहे हैं तो एक अलग सी इमेज हमारे यहां सामने आ जा रही है फायर का मतलब है हमारा बर्निंग डिजायर आइस का मतलब है हेट्रेड हमारा चौथा हमारा है एलिट्रेशन एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोडेंट साउंड इन अ लाइन आदर सम से सम से दोनों में एस एस साउंड रिपीट हुई है ना फेवर फायर दोनों में एफ एफ फॉर की साउंड रिपीट हुई थी. क्या हो गया हमारा एलिट्रेशन अब दूसरा है इंजॉयमेंट अब देखिए जब कोई भी पोएम में लाइन होती है एक लाइन में खत्म नहीं होकर दूसरी लाइन में कंटिन्यू करती है यानी एक फर्स्ट लाइन के बाद आपको कोई भी वहां पे आपको पंक्चुएशन मार्क नहीं मिलेगा ना कॉमा होगा ना फुल स्टॉप होगा ना एक्सक्लमेशन मार्क होगा यानी पंक्चुएशन मार्क वहां नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे इंजैबमेंट जब जो पोएम है सो नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू करती है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एनिस्थिस टू कॉन्ट्रोडिक्ट्री आइडियाज एक्सप्रेस अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो दोनों विरोधाभास वाले आइडिया हैं जो विरोधाभास वाले विचार हैं वो एक्सप्रेस होते हैं जैसे फायर एंड आइस अपोजिट कह सकते हैं दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ऐसा जब यूज होता है तो उसको हम कहते हैं तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस पोएम का नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने इस पोएम के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा और तो अगर आपको कोई कठिनाई हुई हो समझने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं अगले वीडियो में उन कठिनाइयों को दूर कर सकूँ सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो चिल्ड्रन एंड अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो बाय एवरी